महाराष्ट्र एजुकेशन सोसाइटी पुणे, जिसका एक 138 साल पुराना हमारा इतिहास है, ये हमारी विरासत की धरती है, ये संस्कृति और विद्या की धरती है। जिन महान नायकों ने उस समय इस संस्था का गठन किया था, वो सभी महान भावों को मैं प्रणाम करता हूं कि एक छोटे से वटवर्ष शिक्षा का एक मंदिर आज पूना नहीं पूरे देश के लिए एक आदर्श और प्रेरणा का शिक्षा मंदिर बन चुका है। आज विशेष रूप से दुर्गाबाई मुकुंद प्रसाद लोहिया कॉमर्स कॉलेज के नामांकन समारोह में आप लोगों के बीच में आना हुआ। पुणे का एक गौरवशाली इतिहास रहा है, ये महाराष्ट्र देश की एक सांस्कृतिक राजधानी के रूप में केंद्र रही है। छत्रपति शिवाजी महाराज जिन्होंने इस देश की आजादी की लड़ाई लड़ी, मुगल शासनों से लड़ाई लड़ी और उस समय एक अद्भुत साहस शौर्य के प्रतीक के रूप में आज भी उनकी साहस उनका शौर्य उनका स्वाभिमान देश के प्रति उनका समर्पण हम सबको आज भी प्रेरणा देता है। और इसीलिए जब छत्रपति शिवाजी का नाम लेते हैं तो हमारी पीढ़ी भी और हमारी नौजवान पीढ़ी भी के अंदर एक स्वाभिमान जागता है, एक आत्मविश्वास जागता है, शौर्य साहस की प्रेरणा मिलती है। और इसीलिए ये पूना की धरती का एक बहुत पुराना इतिहास रहा है। यहां पर स्वाधीनता संग्राम की लड़ाई लड़ने वाले हमारे प्रणेता श्री लोकमान्य तिलक जी, वीर सावरकर जी, महादेव रानेडी जी, गोपाल कृष्ण गोखले जी और जिन्होंने उस समय सामाजिक आध्यात्मिक के रूप में एक समाज में नई क्रांति लाने का काम किया, महात्मा फुले जी और जिन्होंने महिला शिक्षा के रूप में आज भी हम सबकी प्रेरणा है, जिन्होंने उस विषम परिस्थितियों के अंदर महिला शिक्षा के लिए चेतना लाई जागृति लाई वह मां ज्योतिमय फुले हम सबको आज याद करते हैं। और इन स्वतंत्रता सेनानियों को, समाज सुधारकों को, समाज में आध्यात्मिक सामाजिक परिवर्तन के लिए प्रणेताओं को याद कर हमें नई प्रेरणा मिलती है, नई दिशा मिलती है। और इसीलिए हमारे क्रांतिकारियों को, हमारे समाज सुधारकों को इस 75 साल की लोकतंत्र की यात्रा में हमारी पीढ़ी उन स्वतंत्रता सेनानियों से प्रेरणा लेकर
देश और राष्ट्र से समर्पित भावना से काम कर इस राष्ट्र को विकसित राष्ट्र बनाने के संकल्प की ओर बढ़े। यह हमारे प्रधानमंत्री जी ने 15 अगस्त को लाल किला से देश की जनता को आह्वान किया। आज शहीद भगत सिंह जी की जन्म जयंती भी है। जब शहीद भगत सिंह जी को याद करते हैं तो हमारे नौजवानों को एक प्रेरणा मिलती है कि किस तरीके से इतनी कम उम्र के अंदर शहीद भगत सिंह जी ने राष्ट्र के प्रति, देश के प्रति किस तरीके की स्वतंत्रता की मनोभाव स्थिति रही होगी, कितना उनका अटूट समर्पण रहा होगा इस देश के प्रति कि इतनी कम उम्र में उन्होंने बलिदान देकर इस देश की आजादी की एक नई दिशा देने का काम किया। क्योंकि जब पुणे की धरती पर आता हूं और महाराष्ट्र एजुकेशन सोसाइटी के अंदर आता हूं तो निश्चित रूप से हमारे यहां के अध्यक्ष श्री रेखाताई पलसीकर जी ने बताया कि हमने किस तरीके से पुणे के अंदर उस परिस्थिति के अंदर जो सामाजिक कुर्तियों में देश जकड़ा हुआ था, महिला शिक्षा को कहीं ना कहीं समाज रोकने का काम करता था और उस समय माता सावित्रीबाई फूले ने इसी पुणा की धरती पर एक अलग जगाया महिला शिक्षा का, उस सामाजिक कुर्तियों सामाजिक बंधनों के निकलकर उन्होंने समाज को एक नई दिशा देने का काम किया और महिला शिक्षा के रूप में उनका योगदान आज भी याद रखा जाता है। और इसीलिए कहते हैं कि समाज व्यक्ति जीवन में रह न रहे उनके विचार, उनका आध्यात्मिक सांस्कृतिक देश के प्रति उनका दिया गया समर्पण पीढ़ियों तक लोग याद कर उनसे प्रेरणा लेने का काम करते हैं। और इसीलिए मुझे खुशी है कि 1884 के अंदर इस विद्यालय की नींव रखी, उस समय भी यही परिस्थितियां थी लेकिन उस समय जस्टिस महादेव गोविंद राणे जी और उनके सभी सहयोगियों ने उस समय महिला शिक्षा के लिए एक छोटा सा नन्ना पौधा लगाया, जो रेखाताई ने बताया कि 18 बच्चियों से इस विद्यालय को शुरू किया लेकिन उनका संकल्प उनका दृढ़ निश्चय था कि आज हम जो परिस्थितियों का निर्माण कर रहे हैं भविष्य के अंदर ये महिलाएं हमारे समाज का नेतृत्व करेगी, देश का नेतृत्व करेगी, हर क्षेत्र में नेतृत्व करेगी, ये संकल्प उनके मन में था। और आज ये एजुकेशन सोसाइटी के माध्यम से 12,000 से ज्यादा छात्राएं विभिन्न कैंपों के अंदर आज अध्ययन अध्यापन कर रही है। शिक्षण संस्थान की ये धरती पुना रही है, देशभर का अलग अलग राज्यों का विद्यार्थी यहां पर पढ़ने आता है। लेकिन जो विरासत की बात की जाएगी तो इस विद्यालय और इस एजुकेशन सोसाइटी की बात जरूर की जाएगी। और इसीलिए विरासत को याद रखना, उसकी परंपराओं को जीवंत रखना और विरासत के साथ आधुनिकता की ओर बढ़ना, यह हमारे देश का संकल्प है, देश की दिशा है। और इसीलिए आज मैं कह सकता हूं कि इस नए भवन के नामांकन के साथ यहां पर नई दिशा भी मिलेगी और आने वाले समय के अंदर एक महिला एजुकेशन के रूप में ये
विद्यालय महाविद्यालय अपने आप में एक परिवर्तन होगा। ये वर्ष आजादी के अमृत महोत्सव के रूप में हम मना रहे हैं और इस अमृत महोत्सव में जहां हम स्वतंत्रता सेनानियों के लोगों के बलिदान कुर्बानियों की प्रेरणा भी ले रहे हैं, याद भी कर रहे हैं, वहां इस लोकतंत्र की यात्रा 75 साल की यात्रा में हमारे देश के अंदर सामाजिक आर्थिक विकास हुआ और इस 75 साल की यात्रा के अंदर विशेष रूप से चाहे महात्मा ज्योतिराव फुले हो, चाहे अन्य सामाजिक परिवर्तन के प्रणेता हो, उन्होंने जो एक दिशा दी थी, आज हम ये कह सकते हैं कि देश के अंदर इस 75 साल की यात्रा के अंदर हम उस समय 18% हमारी साक्षरता दर थी, आज 80% से ज्यादा हमारे देश में शिक्षित है और हमारा लक्ष्य है, और विशेष रूप से ऐसे एजुकेशन सोसाइटी से मैं आग्रह करना चाहता हूं कि जो हमारी पुरानी पीढ़ी जो विशेष रूप से महिलाएं अशिक्षित रही थी, हमें समाज में कहीं न कहीं दिशा देकर उनको भी शिक्षित करने के अभियान की एक संकल्प की यात्रा करना चाहिए। और हम अगर इसकी शुरुआत करेंगे तो हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि हमारे देश के अंदर चाहे कितना भी बुजुर्ग व्यक्ति हो, चाहे कितनी बुजुर्ग महिला हो, वह 100% साक्षरता के रूप में भारत अपने कीर्तिमान को हासिल करे, ये आप जैसी सोसाइटी कर सकती है। और आज हमें गर्व हो सकता है, जब मैं आज दिल्ली से पुणे आ रहा था तो उस प्लेन को चलाने वाली एक महिला थी। आज हमें गर्व होता है देश के अंदर किस 75 साल की लोकतंत्र की यात्रा में यहां बैठी कई महिला शिक्षकों के कारण जो दूर दराज के इलाके के अंदर जब गांव में रास्ते नहीं हुआ करते थे, पीने का पानी नहीं हुआ करते थे, लाइट नहीं हुआ करते थे, जाने का साधन नहीं हुआ करता था, उस समय इन्हीं शिक्षकों ने अपना सब कुछ समर्पण देश के लिए, समाज के लिए, अपने परिवार को त्याग कर इस समाज को शिक्षित और संस्कार बनाने का काम किया। और इन्हीं शिक्षकों के योगदान के कारण आज हम गर्व के साथ कह सकते हैं कि देश की सीमाओं पर रक्षा करने का काम हो, अर्धसैनिक बलों पर नस्लवादी इलाकों के अंदर हमारी महिला अर्धसैनिक बलों के रूप में हो, आज अलग अलग राज्यों में पुलिस के रूप में हो, विज्ञान के अंदर हो, टेक्नोलॉजी के अंदर हो, सामाजिक क्षेत्र के अंदर हो, राजनीति क्षेत्र के अंदर हो, साहित्य के क्षेत्र में हो, जितने भी क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों के अंदर आज महिलाएं नेतृत्व कर रही है और देश के कीर्तिमान को यशवान कर रही है। और इसीलिए हम गर्व से कह सकते हैं कि धरती पर शिक्षक के रूप में भी और अंतरिक्ष के रूप में भी अगर सबसे बड़ा योगदान दिया तो महिलाओं ने दिया। और आज हमें इसी बात का गर्व है कि अब महिलाओं की भागीदारी का प्रश्न नहीं है, अब प्रश्न है कि महिलाओं के नेतृत्व का। और आज हमें खुशी है कि एक लोकतंत्र के अंदर भी एक पंचायत के प्रतिनिधि से लेकर देश के राष्ट्रपति के रूप में हमारी महिलाएं नेतृत्व कर रही हैं। यह भारत के लोकतंत्र की ताकत है, जहां पर एक गांव के अंदर एक शिक्षिका के रूप में काम करने वाली आदिवासी इलाके के अंदर जिस गांव के अंदर कोई पढ़ी लिखी महिला नहीं थी, उन्होंने पढ़ने का काम किया, एक शिक्षक के रूप में काम किया, आज हमारे राष्ट्राध्यक्ष के रूप में
राष्ट्रपति के रूप में वह हमारा योगदान कर रही है, नेतृत्व कर रही है। और इसीलिए हमारे लोकतंत्र में हमें गर्व होता है कि लोकतंत्र में हम क्या परिवर्तन करने की ओर दिशा भी बढ़े, कि आज भारत के लोकतंत्र की इतनी ताकत है कि एक सशक्त नेतृत्व देश के अंदर है जिन्होंने सामाजिक आर्थिक परिवर्तन के साथ विज्ञान और टेक्नोलॉजी के साथ किस तरीके से हमारी विरासत, हमारी संस्कृति, हमारे आध्यात्मिक ज्ञान के साथ आधुनिक भारत के निर्माण की दिशा की ओर कदम उठाएं। और इसीलिए आज दुनिया के अंदर भारत नेतृत्व कर रहा है और आने वाले समय के अंदर भारत ही नेतृत्व करे, सबसे विकसित राष्ट्र बने, इसमें अगर सबसे बड़ा योगदान हो सकता है तो महिलाओं का हो सकता है। और आप इसी तरह के देख सकते हैं, आज कोई भी कंपटीशन ले लो, चाहे आईएएस का ले लो, चाहे आईआईटी का ले लो, चाहे मेडिकल का ले लो, चाहे इंजीनियरिंग का ले लो, सीए का ले लो, कोई सा भी क्षेत्र ले लो, जिस क्षेत्र के अंदर जहां भी प्रतियोगी परीक्षा होगी वहां प्रतियोगी परीक्षा के अंदर अगर सबसे ज्यादा उत्तीर्ण और उसकी मेरिट के अंदर सबसे ज्यादा होगी तो हमारी महिलाएं होंगी, नौजवान बेटियां होंगी, यह हमारे नौजवान बेटियों की ताकत सामर्थ्य शक्ति है। और ये सामर्थ्य शक्ति क्यों आई, उस समय 138 साल पहले उन लोगों ने महिला शिक्षा के बारे में सोचा, विचार किया और एक छोटा नन्ना सा पौधा लगाया और आज उन्हीं के इस योगदान के कारण देश के अंदर महिला शिक्षा की प्रगति हुई है। और हम सब जानते हैं शिक्षा हमारे जीवन के अंदर केवल व्यक्तित्व निर्माण नहीं करती, शिक्षा हमारे सामाजिक आर्थिक तमाम पहलुओं को जहां पर हमें नई दिशा देने का काम करती है, वहां हमारे लोकतंत्र की यात्रा के अंदर देश और राष्ट्र के प्रति सामाजिक दायित्वों की दिशा देने का काम भी शिक्षा करती है। और इसीलिए शिक्षा का महत्व हर देश में उत्तम रहा है, लेकिन भारत के अंदर शिक्षा को पद्धति को हमने गुरुकुल पद्धति के रूप में सर्वश्रेष्ठ माना है और उन्होंने पढ़ाने वाले गुरुजनों का सम्मान सबसे बड़ा सम्मान मानकर इस समर्पण और सेवा के साथ हमारे विद्यार्थियों ने शिक्षा और संस्कार प्राप्त किए, इसके कारण भारत की शिक्षा पद्धति आज भी देश के अंदर और विश्व के अंदर सबसे सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। और इसीलिए आधुनिकता विकास के अंदर भौतिक संसाधनों के अंदर कई देश हमसे आगे होंगे, लेकिन भौतिक संसाधनों के बाद भी हमारी शिक्षा के अंदर नैतिक शिक्षा आध्यात्मिक शिक्षा होने के कारण हमारा नौजवान ने अवसाद में न तनाव के अंदर, दुनिया के अंदर अब जब अवसाद तनाव की हम बात करते हैं तो अवसाद तनाव के अंदर दुनिया के अंदर अगर किसी देश के अंदर शांति मिलती है और आध्यात्मिक और संस्कृति का देश है तो दुनिया के अंदर भारत है, ये ताकत कोई हमसे नहीं छीन सकता। और इसीलिए आज हमारा सौभाग्य है कि हम हमारी विरासत को जिंदा रखकर किस तरीके से इन संस्थानों को सर्वश्रेष्ठ संस्थान बनाने का काम करें, जिसके अंदर नई टेक्नोलॉजी हो, नया इनोवेशन हो और इनोवेशन के साथ नवाचार हो। और आज दुनिया के अंदर हम इन्हीं नवाचारों के अंदर, इन्हीं टेक्नोलॉजी कारण, विज्ञान के कारण आज कोई भी संकट और चुनौतियों का समाधान करने में अगर कोई सक्षम देश है तो भारत है और भारत का नौजवान है, जिन्होंने कोरोना जैसी उस महामारी के अंदर भी जब दुनिया के अंदर वैक्सीन बनकर भारत में आते थे, हमारे इसी पूना के अंदर हमारे इन्हीं वैज्ञानिकों ने हमारे देश में वैक्सीनेशन बनाकर एक नई दिशा दुनिया को दी कि भारत का वैक्सीन सर्वश्रेष्ठ है और दुनिया के अधिकतर देशों में भारत की वैक्सीनेशन की मांग की। यह हमारे इनोवेशन की क्षमता है। आज हमारे 70,000 से ज्यादा स्टार्टअप आज दुनिया के अंदर अलग अलग चुनौतियों का समाधान दे रहे हैं। आज हमारी आईटी के क्षेत्र के अंदर इस पुणे का, आज यहां पुणे के अंदर आईटी के अंदर बच्चा पढ़ता है उसको यहीं नौकरी मिल जाती है।
आज आईटी के अंदर ले लो, चाहे मेडिकल के अंदर ले लो, हर संसाधनों के अंदर, हर रिसर्च इंस्टीट्यूशन के रूप में भी पुणे का अपना एक स्थान है। टेक्नोलॉजी के अंदर पुणे का अपना स्थान है। यहां बच्चा पढ़ता है और उस बच्चे को दुनिया के अंदर उसकी डिमांड होती है। दुनिया के जितने भी विकसित देश हैं, उन विकसित देशों के अंदर ही भारत का नौजवान बौद्धिक क्षमता के कारण आज नेतृत्व कर रहा है। इसलिए हमें गर्व होना चाहिए और मेरा आपसे यही निवेदन है कि शिक्षा संस्थान के अंदर जो एक विरासत, हमारी संस्कृति, हमारे आध्यात्मिक और शिक्षा का वह मंदिर है जिसको 138 वर्ष हो गए हैं, जहां पर पढ़ने वाली इन्हीं बेटियों ने सामाजिक, विज्ञान, राजनीति, साहित्य, हर क्षेत्र के अंदर आज नेतृत्व कर रही है, इससे बड़ी हमारी सामर्थ्य शक्ति कुछ नहीं हो सकती। और मैं इसके लिए यहां के जितने भी ट्रस्टी उनको विशेष रूप से धन्यवाद दूंगा, जिन्होंने जिस समर्पण सेवा भाव से इस एजुकेशन सोसाइटी को आगे बढ़ाने का काम किया। विशेष रूप से मैं यहां पर पुरुषोत्तम लोहिया जी, माताजी दुर्गाबाई जी को और उनके पिताजी, जिन्होंने मुकंद भंग ट्रस्ट के नाम से एक सामाजिक सेवा के रूप में आने वाली लंबी सोच के तहत उन्होंने किस तरीके से शिक्षा के अंदर धर्मशालाएं बनाने, अस्पताल बनाने, ये सारे काम किए, ये हमारी एक सामाजिक ताकत है। सरकार अपना काम करती है लेकिन समाज भी सामूहिकता के साथ काम करता है। इसलिए हर आपदा, हर चुनौतियों को लड़ने की सामर्थ्य शक्ति हमारी ज्यादा है क्योंकि हम समाज के सामूहिक नेतृत्व में विश्वास करते हैं। मुझे आशा है ये एजुकेशन सोसाइटी भी इस दिशा के अंदर काम करेगी और हमारी विरासत, हमारी संस्कृति को जीवंत रखते हुए आधुनिक शिक्षा के रूप में, नई टेक्नोलॉजी, नए इनोवेशन के रूप में ये महाविद्यालय कीर्तिमान हासिल करेगा। मैं पुनः यहां की अध्यक्षा श्री रेखा ताई जी को, हमारे पुरुषोत्तम लोहिया जी को, माताजी दुर्गाबाई जी को और जिनके प्रयासों से मैं आया श्याम जाजू जी को और उषा ताई जी को, मैं सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। यहां सभी महिला शिक्षकों को जो समर्पण सेवा से काम कर रही हैं, जिनके कारण आज हमारी महिलाएं समाज के अंदर नेतृत्व कर रही है, उन सभी शिक्षकों को प्रणाम करता हूं। अतिथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आशा करता हूं आने वाले समय में ये विरासत की ये संस्था अपने कीर्तिमान विश्व के अंदर बनाएगी और विश्व में हम बता सकते हैं कि इतनी बड़ी संस्था और पब्लिक मैनेजमेंट के सबके सहयोग से किस तरीके से आगे बढ़ रही है, ये भी अपने आप में दुनिया का दिखाने का एक प्रमुख केंद्र होगा। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।